सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपकी उपस्थिति के लिए, और अब आपके माध्यम से मैं बहुत ही गर्व और बहुत ही हर्ष के साथ सबको सूचित करना चाहूँगा कि हमारी एकेडमी की 16th पासिंग आउट परेड का आयोजन 7 दिसंबर को किया गया है। इस पासिंग आउट परेड में 96 कैडेट्स ऑफिसर बनेंगे। इस 96 में 87 ऑफिसर्स जो हैं वो टेक्निकल एंट्री स्कीम के हैं, जिसमें कि भूटान के भी 4 कैडेट्स शामिल हैं और वो रॉयल भूटान आर्मी में कमीशन होंगे। इन कैडेट्स ने जनवरी 2016 में एक साल के लिए इस एकेडमी में बहुत ही टफ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया था, और ज्वाइन किया था एक सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ कम से कम 70% मार्क्स जिनके होते हैं वो अप्लाई करते हैं, और उसके बाद हज़ारों में सिलेक्शन सेंटर के पास इंटरव्यू के लिए SSB इंटरव्यू के बाद वो सेलेक्ट होकर 90 कैडेट्स पर 6 मंथ्स हमारी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं। एक साल बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग यहाँ करने के बाद वो 4 साल इंजीनियरिंग के लिए सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस इंडियन आर्मी के हैं वहाँ पे जाते हैं। कॉम्बैट इंजीनियरिंग करने वाले कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे जाते हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करने वाले MCTE महू जाते हैं, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले MCEME सिकंदराबाद जाते हैं। और इस 4 साल इंजीनियरिंग के 3 साल पूरे करने के बाद वो वापस हमारे पास आते हैं कमीशन प्राप्त करने के लिए। इनको इनकी यूनिट्स अलॉट कर दी गई हैं, और वो इन्फेंट्री, आर्मर्ड आर्टिलरी, कॉम्बैट सपोर्ट और सपोर्ट आर्म्स और सर्विसेज सब में कमीशन प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा इस सत्र में 9 स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स कमीशन होंगे।